अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन का भी सियासी कनेक्शन रहा है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM में शामिल हुई थी। उस वक्त AIMIM ने शायस्ता को अपना प्रत्याशी भी घोषित किया था, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी। हाल ही में वो AIMIM छोड़ मायावती की BSP में शामिल हुई थी। आने वाले दिनों में BSP के टिकट पर प्रयागराज से वो मेयर का चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रही थी। खुद इसका ऐलान भी किया था। जिस मकान में वो रह रही थी उस मकान से कई चुनावी पोस्टर भी मिले थे। ये देखिए, ये मकान से निकला हुआ कागज मैं आपको दिखाऊंगा, News24 आपको दिखा रहा है। ये देखिए किस तरह से तैयारी थी चुनाव की। शाइस्ता परवीन महापौर पद की प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी से, ये तस्वीरें सीधे आप News24 पर देख रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये पूरा बंडल का बंडल निकल रहा है, ये सिर्फ आप News24 पर देख रहे हैं, आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पूरी की पूरी तैयारी थी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से महापौर पद की प्रत्याशी शाइस्ता परवीन। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड के बाद मानो शाइस्ता के सियासी सपनों पर बड़ा ग्रहण लग गया है। फिलहाल यूपी पुलिस और STF बड़ी शिद्दत के साथ शाइस्ता और उसके बेटे अजद की तलाश कर रहे हैं। पुलिस ये बखूबी जानती है कि शाइस्ता के गिरफ्त में आने के बाद पूरी साजिश का अपने आप पर्दाफाश हो जाएगा। सूत्रों की माने तो अब तक की जाँच में जो बातें सामने आई है उसमें पुलिस को ये पक्के तौर पर सबूत मिले हैं कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के लिए रची गई साजिश की एक एक पहलू से अवगत है और वो इस शूटआउट की एक एक प्लानिंग और कड़ी के बारे में सब कुछ जानती है। लिहाजा शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में एक अहम किरदार हो सकती है। प्रयागराज से पंकज चौधरी और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट News24।